हाय फ्रेंड्स, आज हम ब्लॉग बनाने वाले हैं। आज डुगू का बहुत दिन से मन हो रहा था कि पापा हम खुद पिज्जा बना के खाएंगे, तो पिज्जा का सामान हमने रूम में ही ला के रख लिया है वीडियो बनाने की वजह से। जब पिज्जा का सामान तैयार हो जाएगा तब हम किचन में चलेंगे। अभी फिलहाल डुगू को एक्साइटमेंट बहुत है तो इसीलिए डुगू साथ में बैठा हुआ है। हालांकि डुगू हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा, मैंने उसको मना किया है, तो पर फिर भी डुगू साथ में बैठना चाहता है। हाँ हेलो बोल दो। हेलो। तो आज का ये हमारा जो ब्लॉग है वो है पिज्जा ब्लॉग, और ये आज का मेरा थोड़ा ये मेरे को थोड़ा सा फ्री टाइम मिल गया था तो इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं सोचा डुगू के साथ आज मस्ती कर ली जाती है। हम पिज्जा का सामान लेके आए हैं, ये अमूल मोजरेला चीज़ है, और ये सॉस है हमारा मैगी सॉस, और मैं थोड़ा सा वेजिटेबल्स काट लेता हूँ फिर उसके बाद मैं पिज्जा बनाऊँगा। डुगू की मम्मी भी साथ दे रही है पर वो बिहाइंड द सीन है तो इसीलिए वो अब हम तैयारी करते हैं सब्जी काटना वगैरह। और तो आप कुछ बात करो, एक आओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जरूर कर देना, और जरूर करना, जरूर करना। और इस ब्लॉग के साथ साथ हम पिज्जा चैलेंज भी करेंगे, ब्लॉग के साथ पिज्जा भी चैलेंज करेंगे, और डुगू जल्दी खा के दिखाएगा उसमें। बताओ उसमें मैं दिखा के खाऊंगा। उसमें ये बताओ ना, आप मेरे से भी जल्दी खा के दिखाओगे? मैं पापा से जल्दी जल्दी खा के दिखाऊंगा। अच्छा, कैसे खाओगे बताओ? मैं हाथ से खाऊंगा, मैं बड़ा समझता हूँ, मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। स्मार्ट प्याज काटने में बहुत आंसू निकल रहे हैं, और डुगू कह रहा पापा आंसू तो चाचा होते हैं, मेरे कजिन ब्रदर का नाम आंसू है। डुगू सोच रहा है कि आंसू चाचू आरू है। तो अभी हमने सब सलाद वगैरह काट लिया है, सब सलाद का मतलब वेजिटेबल, और बस टमाटर रह गया है। आप डुगू की बातें सुन सकते हैं कि डुगू कैसी बातें कर रहा है। डुगू कह रहा पापा मैं तो बहुत सारा पिज्जा खाऊंगा, मैं तो सारा पिज्जा खा जाऊंगा। डुगू बता कितना पिज्जा खाओगे आप? मैं तो बहुत सारा खा जाऊंगा। सारे खा जाओगे? हाँ। अच्छा हाँ। और हम क्या खाएंगे? तो अपना पिज्जा खाओगे ये वाला। आप कितने पिज्जा खाओगे? टू वन टू या थ्री या फोर? फोर ये वाला। अच्छा चलो गाइस पिज्जा की तैयारी करते हैं। पिज्जा की तैयारी करते हैं। दो पिज्जा हम डुगू के सामने सेट करते हैं कि डुगू भी हेल्प करके दिखाए। एक पिज्जा मेरी है। अच्छा तो अभी हम ये पिज्जा बेस है और पिज्जा बेस में हम सॉस डाल रहे हैं। मैं भी ये हम सॉस को स्प्रेड करते हैं, हम फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं नाइफ से ही। करना रुक जाओ, मैं भी करूंगा। ठीक है। मैं
डुगु देख रहे हैं आप। अब डुगु पिज्जा बनाने के लिए, खाने के लिए तो एक्साइटेड है ही, और साथ ही साथ बनाने के लिए भी कितना एक्साइटेड है। चलो लो तुम भी कर लो, डुगु की भी थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं और डाल देंगे। तो दोस्तों गाइस हमने सॉस को स्प्रेड कर दिया है, अब हम इसमें डालने वाले हैं चीज, जो कि ऑलरेडी मैं भी डाल दूंगा। पहले अमूल का चीज जो आता था वो पूरे इतने बड़े पीस में आता था और हमें बिल्कुल जो उसे बोलते हैं घिया का सॉस से स्प्रेड करना पड़ता था। अब ये वाला चीज आने लग गया अमूल का, जो कि ऑलरेडी पीसेस में होता है, सिर्फ हमें इस पर डालना होता है। बहुत ठंडा है क्योंकि अभी अभी लेके आया हूँ फ्रिज में से, और शायद इसको मेल्ट होने में काफी टाइम लग जाए। हमें इसे लो फ्लेम पर मेल्ट करना पड़ेगा, और जरूरी भी है क्योंकि लो फ्लेम पर करने से हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगी। अब दोस्तों इस पे हम डालते हैं वेजिटेबल्स, जो कि हमारी हमने पहले से ही कर ली है, और थोड़े से प्याज वगैरह अच्छे से हो जाए। प्याज वगैरह हम डालने से पहले से डुगु ऐसे नहीं डालेंगे, रुक जाओ हाँ डालो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अभी इस पे थोड़ा सा प्याज डाल दें क्योंकि शिमला मिर्च हो गई है और टमाटो नहीं है, पर इस पर तो टमाटो हमने डाल दिए क्योंकि शिमला मिर्च तो हो चुकी है। उसी तरीके से हम प्याज डाल दें इस पे, और डुगु दिखाओ अपना पिज्जा। तो फ्रेंड्स इसको अब हम बेक करेंगे, और ये हम पिज्जा बनाने वाले हैं तवा पिज्जा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आओ किचन में। हेलो गाइस, कि अब हमने क्या किया है, मैंने ये फ्राई पैन में बटर को मेल्ट कर लिया है। इसमें बटर डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बेस को डाल देंगे। अभी मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से ये बटर गरम हो जाए, उसके बाद हम इसको पिज्जा बेस को डालते हैं। और हमने लिया है ये इडली स्टैंड का कवर, इसको हम ढक देंगे और अच्छे तरीके से बेक करेंगे लो फ्लेम पर। तो हम देखते हैं फिर पिज्जा कितना अच्छा बनता है। और डुगु हमारा एक्साइटमेंट इतना है कि बस डुगु बोलो पिज्जा खाना है जल्दी। हाँ खाना है। देखते हैं हमारा पिज्जा कितना एक्साइटमेंट बनता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारा चैलेंज। अच्छा पिज्जा चैलेंज नहीं, हम बना रहे हैं पिज्जा व्लॉग, बोलो पिज्जा व्लॉग बना रहे हैं। हाँ पिज्जा व्लॉग बनाने चलते हैं। अच्छा दो पिज्जा हमारे तैयार हैं, हम इनको एक एक करके देखते हैं कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है बटर ज्यादा हो गया है, तो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं। अब हम डालने जाते हैं, ये हमने डाल दिया पिज्जा, मेरा पिज्जा है यस, और अब हमने इसको ढक दिया है। तो फ्रेंड्स आपको करना पड़ेगा वेट, और अब हम देखते हैं कम से कम 10 मिनट बाद, तो हम आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद, फिर देखते हैं पिज्जा कैसा बनता है। हाँ चलिए।
दोस्तों ये हमारा पिज्जा हो चुका है तैयार और हमारी पीज चीज अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और हम इस पे डालने वाले हैं ऑर्गेनो, ये ऑर्गेनो मसाला हमारा। तुम्हारा ही है बेटा, हम लोग साथ साथ में करेंगे। हमने इस पे डाल लिया है ऑर्गेनो और अंदर से नमक लेके आओ। और ये हमारा फ्लैग सही आ रहा है। मिर्ची को डाल दियो, मिर्ची नहीं है ये। ये चिली फ्लेक्स हमारा वैसा ही है और क्योंकि हमने इसमें नमक वेजिटेबल्स में नहीं डाला था तो नमक हमें इसमें ऊपर से डाल लेंगे थोड़ा सा। और दूसरा पिज्जा हम इसमें लगा देते हैं जो कि हमारा, जब तक हम ये वाला पिज्जा खाएंगे तब तक ये वाला पिज्जा तैयार हो जाएगा। और इसको काटने के लिए हम तैयार रखते हैं अपने पास, ऐसे काटेंगे। मैं काटूंगा इसे, मैं भी काटूंगा इसे। अरे वाह, देखिए फ्रेंड, पिज्जा कितना अच्छा लग रहा है, शायद आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों पिज्जा इतना टेस्टी लग रहा है तो खाने में कितना टेस्टी लगेगा, चलो देखो खाते हैं, है ना। तो दोस्तों आ जाइए, चलिए पिज्जा हम खाएंगे। देखो हाँ स्टार्ट, कैसा है? तो दोस्तों ये हमारा बना हुआ पिज्जा जो कि डुगू को हैडी, अब हम खाते हैं। दोस्तों अच्छा है, काफी मजा आ गया है। अच्छा दिखाओ, चलिए दोस्तों हम करते हैं पिज्जा को एंजॉय। और आप हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और नए जो हमारे व्यूअर हैं जो वीडियो को देख रहे हैं वो हम लोगों को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय बाय, डुगू एंड डेयरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको खाना है पिज्जा, आपको आना पड़ेगा, आइए और खाइए। बाय।